अखिल भारतीय धोबी एवं रजक समाज के नगर अध्यक्ष बनाए गए कुलदीप रजक, उनके पहली बार चौड़ा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ युवा पार्टी एवं उनके रजक समाज के लोग उनको घर तक छोड़ने के लिए गए एवं उन्होंने पूरे रजक समाज से आशीर्वाद लिया और कहा कि मैं समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। हमारा ये पवित्र क्षेत्र सनक सनंदन संत कुमार की जो तपोभूमि है, इस तपोभूमि पे रजक समाज ने जो युवा अध्यक्ष चुना है, बड़ी प्रसन्नता है। रजक समाज के विकास के लिए ऐसे तेजस्वी ओजस्वी एवं योग अध्यक्ष की आवश्यकता है जिससे समाज का कार्य विकास रूप से आगे बढ़ सके एवं जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं जिसके लिए जो रणनीति तैयार की गई है, ये रजक समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रजक समाज एक अभी छोटे स्तर पर है और काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी ऐसी वर्ग के कोटा को हासिल नहीं कर सका, जबकि इसमें प्रज्ञा ठाकुर जो सांसद रही हैं उन्होंने भी सांसद में इसको उठाया था। हम भी यही चाहते हैं कि समाज यदि इसी प्रकार लगन से लगी रहे तो उनका जो विचार है, उनकी जो धारणा है, उनकी जो एकता है, वो कर्तव्य पथ पे चल के इनकी एकता और अखंडता को साबित करेगी। रजक समाज जिंदाबाद। रजक समाज जिंदाबाद। मेरा नाम स्वामी कमलेश्वरानंद सरस्वती, मैं उना बालाजी से हूँ एवं रामकथा भागवत कथा का जो मैं सनातन धर्म के माध्यम से निःशुल्क प्रचार प्रसार करता हूँ, धन नहीं लेता हूँ। सनातन संस्कृति के हिसाब से मैं एक सन्यासी संत होने के हिसाब से सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊँगा और यदि रजक समाज में कोई भी व्यक्ति रामकथा या भागवत कथा कराता है तो हम निःशुल्क जाते हैं और निःशुल्क जाएंगे, अन्य समाज में भी जाते हैं। इसकी समाज की कुछ रणनीतियाँ होती हैं जो समाज के लोग ही अपने हिसाब से डील करते हैं और समय समय पर व्यवस्था देखते हैं। राजू रजक, जिलाध्यक्ष रजक महासंघ दतिया। जिलाध्यक्ष जी, हमें भी पता पड़ा है कि आज जो रजक समाज है वो कहीं पर एससी में, कहीं पर ओबीसी में, तो इसका क्या कारण है? वो कहाँ पर एससी में, कहाँ पर ओबीसी में, क्या कारण है उसके बारे में? जी, जैसा कि आपने पूछा है, हमारी समाज भोपाल रायसन और सीहोर में एससी कोटा में आती है, बाकी जगह अनुबंध के कारण हम एससी में नहीं आते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई चल रही है सरकार से, हम बार बार यही प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं, हमारी संसद में भी बात चल रही है।
आगे बढ़ाना है, आश्रम का विकास करना है। तो आश्रम के लिए इन्होंने अपने सानिध्य में यहाँ की समाज को इकट्ठित किया और लगभग इनके सहयोगी अभी वर्तमान में 38 लोग इनके साथ में हुए हैं और 38ों ने शपथ ली है कि हम इनसे कंधा से कंधा लगाकर इनका साथ देंगे और हर समस्या में इनके साथ रहेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम कुलदीप रजक। आज आपको जो अध्यक्ष चुना गया तो उसके बारे में बताइए। पूरी रैत समाज ने जो मुझे अध्यक्ष बनाया है इसके लिए पूरी रैत समाज का मैं आभारी हूँ और जो मुझे पद के लिए मैं निर्वहन किया है उसका पूरा मैं दायित्व। आप सब लोग एकत्रित हुए हैं किस बात को लेकर, एकत्रित हुए हैं और क्या आपकी रणनीति थी वो बताएं। आज श्री संत गाडगे जी की महान कृपा से पधारे हुए हमारे संत, उनकी आशीष से सनत नंदन सनत कुमार की इस पावन धरणी पर हम रजक भाई सभी एकत्रित हुए, जिसमें हमारे सभी रजक भाइयों ने निर्णय लिया कि एक विकास समिति कार्य का अध्यक्ष हमें बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे सारे विकास कार्य रुके हुए थे। तो आज सभी के सहमति से, सर्वसम्मति से हमने सभी रजक भाइयों ने कुलदीप रजक को अध्यक्ष बनाया और उनसे आशा भी करता हूं कि रजक भाइयों के लिए जो विकास है, जो आने वाली हम लोगों की समस्याएं हैं उनका भी निर्वारण करेंगे। तो आपके यहाँ पर जो रजक समाज एकत्रित हुए थे तो पूरे विधानसभा सेवाड़ा की हुई थी, पूरे दतिया जिले के हम रजक भाई इकट्ठे हुए आज और आगामी महाराज संत गाडगे की जयंती के बारे में विषय में चर्चा हुई तथा आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में हम लोगों ने रणनीति तय की है, वो आने वाले समय पर बताएंगे। अच्छा, तो आज किसको अध्यक्ष किसको उपाध्यक्ष बनाया गया? आज कुलदीप को अध्यक्ष बनाया गया और मलखान को उपाध्यक्ष बनाया गया और राजेश को सचिव बनाया गया। ये विकास समिति के लिए, ये हम लोगों के सभी